अरे सुमिरन करके भी मामा को झुक चरणन में शीश नभाए और बाबा साहिब को सिर नाई की झुक चरणन में शीश नभाए भगवान की वंदना करके हो बुद्धि भगवान की वंदना करके बुद्धि गाकर हम मात सुजाता तुमको सुमिरे मैया कंठ बैठियो फूले को सुमिरे नैया खेरी लगावो पार हम सावित्री बाई फूले सुमिरे मैया रक्षा करो हम ललई सिंह यादव को सुमिरे हो ललई सिंह यादव को सुमिरे जो रामायण के वृक्ष और रामायण की चाबी के जग में कर दो ऐसे बाबर शेर को जो मैया ने जन्म दिया और सुमिरन करके संत रविदास मुझक चरणन में शीश नभाए हाँ मेरे धम्म प्रेमियों आज मैं विजय स्टूडियो हाथरस के माध्यम से जो बाबा साहब के 14 अप्रैल जयंती के ऊपर आप लोगों तक समझाने के लिए जा रहा हूं कि एक बहु और सास का झगड़ा बाबा साहब के जयंती के ऊपर हुआ है और वो गौधर्म की लड़की ने किस तरीका से अपनी सासुर को समझाया तो लीजिए विजय स्टूडियो हाथरस के माध्यम से पेश कर रहा हूं लगो महीना है अप्रैल को लगो महीना है अप्रैल को घर घर खुशियां रहे मनाए और सबरी घर की शोभा बरनी आज से तुमको दे संभाल सब लोग 14 अप्रैल के महीने का इंतजार कर रहे हैं भैया श्याम अरे फूल गुलाल और घर घर शोभा है अति और फूलन से हरियाली रही फूल बारी को रे ताकि संभाल
भाई शोभा एकन पर नी जाई। इधर तो शोभा 14 अप्रैल के महीने का इंतजार है, सभी लोग धूमधाम से बड़ी खुशियां मना रहे हैं और सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं सभी मन में शादी लिया के पालन था। अरे जब 14 अप्रैल की आई है घर घर खुशियां गती है दिखाई। इधर तो 14 अप्रैल के त्योहार सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, मगर भाइयों एक बौद्ध समाज की लड़की की शादी हिंदू धर्म परिवार में हुई है, तो अपनी सासुर से वो बौद्ध धर्म की लड़की समझा करके मैया से बोली है, मां अरे हाथ जोड़ के बिटिया बोले मैया सुन ले बजन हमारा। 14 अप्रैल तुम महीना आये वो कौन पिहर के दियो भिलवा। दिन से मेरी शादी इस घर में हुई है उस दिन से मैंने बाबा साहब के कभी दर्शन नहीं किए मां, लेकिन अरे मेरे गांव की शोभा न्यारी सोमरिया ने कहते पर सुबह उठ के मेरे घर वाले मुझे वंदना करे हमारे ग्राम भिलौली की शोभा आज पूरे इस नगर क्षेत्र में फैल रही है। उसी तरीका से वो लड़की अपने घर की शोभा बता रही है गांव की। अरे झांकी असजिए बगामा दिन को जब 14 अप्रैल आए और जब ही जंग नगर से निकले शोभा एक नंबर जो ये बात बहू की सुनी है सासुर एकदम से समझा करके कहने लगी बेटी तेरा दिमाग खराब है आ? अरे तू किसकी बात कर रही है तुझे एक बात का ध्यान नहीं क्या। सासुर समझा कर उस बेटी से बोली मेरी बात सुनो धर धीर बहू लग बात कर दबे नहीं डरती है
और अब नवरात्र के दिन उन पे क्यों नाए गोरी करती है। उस दिन पर्व की शोभा बेटी क्यों नहीं हमें बताई रही है। और कौन से 14 अप्रैल के दिन काशे को बेटी धमकाई रही है। श्याम भाई इतनी बात सुनी तो बहुत समाज की लड़की समझा करके ललकार के बोली है, मां आज का दिन की तुम बात कर दी हो मैया साजी कह दी हो पता। और कौन नवरात्रि कौन सो महीना बेटी से बस कहने लगी है। बहू समझा करके बेटी मैं उस दिन की बात कर रही हूं जिस दिन हमारी देवी बहु बेटियां सभी व्रत रहा करती है नवरात्रियों का। हाय हाय लोगों गजब हो गया ये बात सुन करके। वो बेटी धारी है बहुत धर्म की पुष्पांग भाई भैया सुन के इतनी बात के तब ही बहु वो बोली है। वीरन सुन के इतनी बात बहु मेरे भाइयों आज जैसे ही बहू ने समझाया कि मां तब किस दिन की बात कर रही हो मगर तुम्हें एक बात का ध्यान नहीं है। बोली है समझा करके अरे तब ही बहू अरे बोलन लगी मैया ज्ञान दो बिशराय। और कहा दे दो तुम देवियन और तन पे वस्त्र नहीं मिलते थे सोने के गहने मिल नहीं आरी न देवियां ने तुम सैली नो मैया सुन ले बात हमारी लेने के सिपतेनो न जानो मैया सुनियो बात और मां सुनो बात को। आप जो नवरात्रि देवियों की बात कर रही है एक बात बताऊं हाथ जोड़ी बहुवर बोली मां सुन ले बात मेरी चितलाई। और जब से आए भीमन
मत बताई रही सो सजियों आप मात इतनाई। और मैं सुनो आरे जितने गहने ते मैया पहनी सो सब गए हैं के भीम पहनाई। ए जिन को नाम सुनत खिल मैया जो तुम बात पे गई थलाई। मैया के तुम्हें बता दे मोको मत शर्म आई थोड़ी माई नव देवियों की बात मैं आपको बता रही हूं। अरे नौ देवी जे ना मेरी मैया नौ लड़की जे तुम रही बतलाई। और भारत में इन दखल दियो है सब राजा के देह मरवा। जितने भी हमारे राजा महाराजा थे उन्हें मार करके परास्त कर दिया और इन आर्य ब्राह्मणों ने जिन्हें आप अपने देवी देवता समझ रही हो वो माँ वो आपके दुश्मन है माँ। और बोली है पतन करो तो जिन भारत को अपन और राज के लोहे जमाई। शम कर सिको राम ने मारो भगवान नहीं बतलाई। और ऐसे पापी को तुम मानती हो जाने नीच काम करे आई। जो ये बात बहू की सुनी है एकदम से ललकार करके वो बोली है सासुन क्या सुनी सुनी बातें कहे बहु अर्की पगड़ो शरीर अब सास को आई। नहीं तुम है शर्मा बे बोले करुए पे बोले उस पैटर भाई। अब ये बात सुनी है तो एकदम से अपनी बेटी को बुलाया और बोली बेटी जा करके अपने भाई को बुला करके ला। लेकिन मकर हुआ क्या अरे बेटी चल गई कहे रे आंगन से
सो भैया दिन के पहुंची आई जाए तुम्हें बुलाओ है महतारी ने संग में चलियो के फिरन हमारी और बेटा चल दो मनु माजी को चढ़ियो रंग के देवी और आए के मैया के दिन बोलो काहे मैया के लोहे बुलवा बेटी जैसे भेजा है लड़का आ गया मगर हुआ क्या माँ से समझा करके बोला माँ बात क्या है जो तुमने हमें इस वक्त बुलवा लिया एकदम से माँ बोली है बेटा तुम्हारी तो किस तकदीर फूट गई थी अरे बहुअरे आई है घर हमको लगती और देवी देवतन तो भारती है इज्जत धूल में गई है मिलाई मेरे भाइयों एकदम से जब ये बात सुनी है तो लड़का कहने लगा मां बात क्या है तभी मैया बोलने लगी बेटा सुनियो बजन हमार और जादे बिन की थारी करती है जो भगवान हमारे भाइयों इधर सारी बात जब ये बेटा और मां में हुई है तो बेटा समझा करके बोला मां कोई बात नहीं है हम समझाएंगे इधर वो बेटा पहुंच जाता है अपनी बहू के पास और बोले क्या बात है तो समझा करके बोली है बहुत धर्म की लड़की क्या अरे तब ही बहुअरी बोलने लगी सैया सुनियो बात हमार और चौदह अप्रैल और बड़ी खुशी से मेरे घर में चौदह अप्रैल सभी चौदह अप्रैल की बात कर रही हो हमें आज पता नहीं कौन बहुत धर्म की लड़की हंसने लगी बोली कि तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो क्यों
सैया मुंशी में कछु रोहे और कस हमारी के बुद्धू ही है ऊपर से लगे थोड़े दिन के बाद हम याद करने के लिए जाएंगे झारपीए की तो चलना है। हाय हाय लोगों का जब हो गया ये बात सुनते ही बौद्ध धर्म की लड़की के देह में आग लगी और एकदम से चिल्ला करके बोली है क्या समझा करके बौद्ध धर्म की लड़की बोली लेकिन शायद इस बात का आपको पता नहीं तो आप झारपीन की जांच करने के लिए जाते हैं मगर वहां पर झारपीन की जीत होती है मगर वो हमारा भज्जू कोतवाल जो है वो हमारा भाई है ध्यान देना बोली समझा करके बेटी अरे जो है झारपीन निज राजा ताकि जाति करो तुम जाए और भज्जू को दुबाल चमार को बेटा बाकौन नीचे तुम रहे दबाए ऐसे महापुरुष को धन है वो तुम पला के ऊपर रह डाली वो बहुत धर्म की लड़की मन में विचार करने लगी अगर मैंने अपने इस परिवार को नहीं संभाला तो मुझे भी बौद्ध धर्म की बेटी मत कहना पुष्पेंद्र भाई अभी तनिए सुन के तभी बेटी तहरी नहर शेरनी और देवी देवता जितने घर में पानी घर से फेंक दया जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखी थी उस बेटी ने कहा कि आज तो या देवी देवता रहेंगे या तो आज हम रहेंगे गजब हो गया ओ
बातन बातन के मत बड़ हुई है, अब बातन में के बड़ी है दारी। शासन जो बैठी बैठी त्यागी पे से कन्हैया, और तब ही भवरी बोलन लगी मैया पैया परे तुम्हार। बेटी ने समझाया, माँ बात मेरी जरा गौर से सुनो, अगर तुम्हारे असली देवी देवता होते तो क्या तुम्हें जीने का अधिकार नहीं देते, वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं देते? लेकिन मैया नहीं, अगर असली भगवान है तो हमारे बाबा साहब क्यों? ब्राह्मण के घर में माँ, और जब संधान लिखो बाबा ने तब आजादी के मिली अंगारी। श्याम भाई जब ये बात सुनी है तो दोनों की बुद्धियों का परिवर्तन होने लगा। मगर और वो लड़की समझा करके बोली है बाबा साहब के बारे में, अरे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्मे मसीहा, और दो अधिकार सब तो दिन खुशियां ताकी रहे भारत को संविधान बना मैया साची कह रहे और धन धन ऐसे महापुरुष को धन धन तलम तलम के पुष्पेंद्र भाई एक बात का ध्यान रखना। वो लड़की कहने लगी, माँ एक बात का तुम परिवर्तन कीजिए, जरा गौर से माफ दीजिए क्या, कि अगर हमारे घर में बाबा साहब की अगर फोटो को लगा लो और इन देवी देवताओं की मूर्ति लगाओ क्या अंतर दिखेगा? बोली, अरे जब ये बच्चा पैदा हुई है मैया हमारे सुनो यदा, और जिन देवी देवतन को देखे इनको हाल पूछे आई। इनके काम के मैया तुमको अब तक हरे मालम हटी ना, अरे शंकर गांजा को पीते हैं मैया ध्यान दियो कछुआ। और पैसी उसी का पड़ेगी बेटा पे वो भी गांजा पिए गुआई, और मैया और श्री कृष्ण जो है भैया
दिया घर घर छोरी के करी जो है मैया इन्होंने चोरी के सबक कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारा नाती हुआ अगर इनका शरीर देखा तो क्या होगा श्याम भाई, वो भी चोर बने वो मैया और न शेरी के बने और रामन धन सपाल ले घूमे वो भी ले अति हरी रंगा भैया। इसलिए आपको समझा रही हूँ अगर परिवार का परिवर्तन करना है सुख अगर लीद अगर लेनी है तो मेरी बात मानो, ज्यादा बात नहीं कहूंगी मां। बाबा साहब को मैया मानो तुमको साची कह रहे बताए अरे जिन्होंने शिक्षा के दरबार के घर घर मैया गए खुला बुद्ध भगवान की वंदना करियो मैया जीवन सफल हुई जाए सुने सुने ये बहुवर की समझी गई सास का छुआ और समझा करके बोली देखिए हमारे भगवानों ने क्या किया है। लेकिन क्षमा करना आज हमें अपने महापुरुषों को भगवान की उपाधि देनी पड़ रही है। क्यों? ये हर इंसान जानता है कि भगवान नहीं है मगर इनको भगवान का दर्जा क्यों मिल रहा है। लेने वाले को हत मैया छोड़ो ध्यान भ्रात लियो भाई लेने वाले देने वाले को कह देवता जो देना भाग देने वाला हुआ करता है वो हमेशा भगवान हुआ करता है और अगर लेने वाला हो तो प्रताप भाई तो वो तो लेवता हुआ ना। हाँ आरी सुन के बाद बहुवर की झट गोदी में गलो है बेटा और हसी हसी बाद बहुवर की सासन के हिये में गई है समाई खुशी से तब बिटिया से है सासन ने के कह गई सुनाई और हम चली के तुम्हारे नगर को कैसी शोभा के दी हो दिखाई बहुवर को भगवान बुद्ध बाबा साहब के बारे में बताने लगी है। पांच सौ तिरसठ ईसा पूर्व बुद्ध भगवान के जन्म आए और लुम्बिनी बन के बीच में मैया को जन्म भर
14 अप्रैल धीरे धीरे के दिन जहुआई और पहले अपनी सास से बोली मैया सुनियो पाती हमारी। सबसे पहले जा घर को हम बौद्ध धर्म से दे अपना एक कहावत की कही जाती है कि जो बेटी हुआ करती है वो तो घर को संभाला करती है। आज उस बेटी ने अपने घर को संभाल लिया। पहले तो अपने मायके से आई तो उस घर को स्वागत किया और अपने ससुराल में आकर के उस जो पाखंड बाद में फंसे हुए थे ना उन्हें आज बौद्ध धर्म में रह करके स्वीकार कर दिया है। हंसी खुशी से माँ ससुर ने फोटू बाबा साहब की दई मंगवाई और 14 अप्रैल को दिन के भैया वहां पर गौशा में आए। और बड़ी खुशी से मंगल के दिन बौद्ध धर्म लड़की रही सुनाई और पति अपने को एक से कर ले दिल में खुश लड़की भैया। हाँ मेरे धर्म प्रेमियों, इस तरीका से बौद्ध धर्म की लड़की ने अपने ससुराल वालों को किस तरीका से बौद्ध धर्म को स्वीकार करवाया है। 14 अप्रैल के इस पावन धर्म पर मैंने जो आल्हा आप लोगों की तर्क पर गाई है बगर 14 अप्रैल की जयंती पे मैंने आल्हा में कहती है सुनाई और प्रवीण कुमार बहुत मोई कहते सुनियो सभी सखल नरनाई। Thank you.
आशिक गई है सुनाई जो थे अप्रैल जब जब आवे घर में ली जो आप सी हमें